नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के एक निजी अस्पताल में 40 वर्षीय प्रोफेसर की बीमारी के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टरों के लिए सरदर्द बन गई। इलाज के लिए भर्ती किए गए प्रोफेसर किशोर की इलाज के दौरान हुई मौत में किशोर के परिजनों का आरोप है कि बेहोशी के लिए लगाया गया इंजेक्शन, जिसमें ज्यादा मात्रा में बेहोशी की दवा दी गई और उसी से प्रोफेसर की मौत हुई है। इलाज के दौरान हुई मौत के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा कायम करते हुए मामले की जांच शुरू की है। दरअसल द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के विदुर नगर में रहने वाले प्रोफेसर किशोर की तबीयत अचानक बिगड़ी और परिजनों ने इलाज के लिए इंदौर की CHL अस्पताल में भर्ती कराया। मरीज की हालत को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने बेहतर इलाज देने के मकसद से किशोर को पहले दवाएं दी और फिर परिजनों को सूचना देते हुए किशोर को वेंटिलेटर पर रख दिया। 48 से 72 घंटे किशोर को वेंटिलेटर पर रखा गया और अंधता परिजनों को किशोर के न होने की खबर दी। किशोर की मौत से घबराए परिजनों ने सीधा आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाया और हुई मौत के मामले में पुलिस पर निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को सजा देने की बात कही है। आपको बता दें कि 40 वर्षीय किशोर एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। वहीं जांच अधिकारी ने मंगलवार दोपहर बताया कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आगे की जांच करने की बात मीडिया से कही है। सर, मेरे हस्बैंड को मैं 31 तारीख को हॉस्पिटल में लेके आई थी। मैं बात कर रही थी उनसे, बहुत अच्छे से थे वो, और वो लोग पता नहीं क्यों अंदर लेके गए। उन्होंने मैं उनको रात भर तो ऑक्सीजन में रखा और सुबह अचानक डिसीजन ले लिया CHL। क्या हुआ था सर? वहाँ पे लेके गए हम हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कि बातें कर रहे थे वो, तो उन्होंने पहले तो ऑक्सीजन में रखा उनको पूरी रात, और सुबह उन्होंने बोला, एकदम से डिसीजन ले लिया, बोले कि वेंटिलेटर देना पड़ेगा। लेकिन सर, मैंने जब उनसे बात करी तो वो मना कर रहे थे कि नहीं, मुझे, मैं ठीक हूँ, बोले मेरी छुट्टी करा लो, मैं ठीक हो जाऊँगा। और डॉक्टरों का कहना था कि अपन 72 घंटे या 48 घंटे इनको वेंटिलेटर पर रखते हैं तो ये बहुत जल्दी रिकवरी में हो जाएंगे। तो सर, हमने सोचा कि ठीक है भाई, हमने हाँ बोल दिया, लेकिन वो मना ही करते रहे वो, क्योंकि पूरे आखिरी टाइम तक 5 मिनट वेंटिलेटर के, मतलब पहले मैंने उनसे बात करी थी वेंटिलेटर पर जाने से 5 मिनट पहले, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं वो ठीक है, मैं ठीक हूँ और मेरे को मतलब छुट्टी करा लो। फिर उसके बाद क्या हुआ, कितने दिन भर्ती रहे हो? सर, उसके बाद उन्होंने वेंटिलेटर पे लिया हमको 48 घंटे का बोल के, फिर 48 घंटे हो गए, 72 घंटे हुए। हमने उनसे बोला कि हमारा इंसान होश में क्यों नहीं आ रहा है, तो बोले कि पूरा आपने टाइम दिया था, टाइम पूरा हो गया, बोले एक आध दिन और लगेगा। हमने बोला चलो ठीक है, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, फिर हमने बोला कि आपने बोला था होश में लाने का, होश में क्यों नहीं आ रहे, तो बोले सुबह तक आ जाएंगे। फिर दूसरे दिन पूछा तो शाम तक आ जाएंगे, फिर पूछते तो सुबह तक आ जाएंगे, फिर आखिरी में हाथी से अटक दिया, बोलते अभी तो बता नहीं सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं, 8 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, महीना भर भी लग सकता है। इसके बाद फिर यही बोलते रहे सर। और सर, जब हम लोगों को लगा कि ये लोग कुछ सच बता नहीं रहे, मैं 3 दिन से उनसे मिली भी नहीं थी, मैंने थोड़ा सा जाके चिल्ला चोट हम लोगों ने करी है, तो वो फिर थोड़ी सी 1 घंटे बाद गए और बोल रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। कितने दिन भर्ती रहे ये? सर, ये 14 दिन तक बेहोश रहे उसमें। क्या करते थे? सर, ये प्रोफेसर है और इनका बैंक कियोस्क भी है, MP ऑनलाइन भी है, 202 विदुर नगर। सर, मैं सीमा सोलंकी उनकी पत्नी हूँ और मुझे शक है कि उनकी मृत्यु 2-3 दिन पहले ही हो चुकी है और इन लोगों ने बताया नहीं, और पता नहीं किस कारण बस ये ऐसे बेहोश पड़ गए। सर, पहले तो वहाँ पे मुझे तो जब पता चला तो मैं बेहोश टाइप हो गई थी, बिल तो बड़ा हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको कम करके 5 लाख ऐसा कुछ बताए थे, और बिल का कोई इशू नहीं था, बिल का तो कोई इशू ही नहीं था सर, उनका तो इंश्योरेंस चल रहा था, बिल का मैंने बाद में बढ़ा के कुछ बता रहे थे, लेकिन बाद में शायद ये लोग, अभी मुझे कन्फर्म ही नहीं बिल का तो, लेकिन ये लोग कुछ बता रहे 5 लाख 6 लाख, आई डोंट नो। इसमें किशोर पिता रमेश सोलंकी है, उम्र 40 साल के हैं और ये 202 विदुर नगर में रहते हैं, पेशे से प्रोफेसर हैं और ऑनलाइन का भी काम करते थे। इनकी दिनांक 30/8/2021 को तबीयत में जो गड़बड़ हुई थी, वो परिजनों ने कोविड टेस्ट वगैरह करवाया था जो नेगेटिव आया था, और फिर इसके बाद 31 तारीख को उनकी तबीयत, और मतलब दिन में खाना खाया 11 बजे, उसके बाद तबीयत गड़बड़ हुई तो इन्होंने गुजरात हॉस्पिटल लिखाया, वहाँ CT स्कैन की व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ CHL में ला के भर्ती किया था। 1 तारीख को 2 बजे के लगभग उसको मतलब बेहोश करके और तो वेंटिलेटर मशीन लगाई थी, उसके बाद होश नहीं आया। तो परिजनों का ये कहना कि हमको डॉक्टर मतलब दिलासा दिलाता रहेगा, 40% रिकवर हो गया, 60% रिकवर हो गया, सुबह होश में आ जाएगा, शाम को होश में आ जाएगा। अब इन्होंने कल 13 तारीख को मृतक की पत्नी सीमा सोलंकी और परिजनों ने वहाँ हंगामा किया कि भाई 14 दिन हो गए होश में नहीं आए, आप झूठी दिलासा दिला रहे हो। तो इनके चिल्ला चोट करने के बाद डॉक्टरों ने फिर किशोर सोलंकी को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का तो ये आरोप है कि मतलब इन लोगों ने जो उसको वेंटिलेटर लगाया था उसके बाद ही बेहोशी की दवा देते रहे, तो
और मतलब इनका वही आया है कि ओवर डोज दवा दी होगी इसलिए मतलब उसकी मृत्यु हुई है। किस तरह का बिल दिया? बिल वगैरह बाद में देंगे, इनका वो भी था मेडिक्लेम भी था। आपका सब इंस्पेक्टर शिव कुमार मिश्रा थाना एमआईजी। टाइम न्यूज़ देखिए।